नमस्कार किसान साथियों, खेती किसानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको हम जो सोलर की सब्सिडी का जो चल रहा है कि भाई कोई कहता है सब्सिडी मिल रही है, कोई कहता है नहीं मिल रही है, तो उसकी क्या है वास्तविक जो बात है वो अपन बात करने वाले हैं। तो राजस्थान का जो सब्सिडी का जो टेंडर है वो है जैन कंपनी के पास, तो उनके सर के यहाँ पर भी हम आए हैं जो नंदी फार्म हाउस करके हैं और ये वल्लभ नगर में है उदयपुर के, और काफी बड़ा फार्म हाउस है, आप अगले वीडियो में ये भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये सब्सिडी का क्या रगड़ा चल रहा है। किसान साथियों, ये हमारे सर हैं। सर नमस्कार। सर नमस्ते। कैसे सर? बस बढ़िया। तो सर काफी मतलब रगड़ा भरी बात चल रही है, जिधर भी देखो तब किसान साथियों को ये लुभावना दिया जा रहा है कि भाई सब्सिडी चल रही है, कोई कह रहा है सब्सिडी नहीं चल रही है, तो इसकी जो वास्तविक क्या बात चल रही है, कौन मतलब टेंडर ले रखा है और क्या है वो सब कुछ आप बताइए सर। किसान भाई नमस्कार, मैं रमेश डांगी वल्लभ नगर से। सब्सिडी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और सोलर के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनी आ गई है। किसान भाइयों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को लेने के पहले, पैसा लगाने के पहले ब्रांड को देखें, क्वालिटी को देखें और साइड पे जाके भी देखें। और जिन किसानों ने सोलर ले रखा है उसको भी पूछें कि भाई कहाँ से लिया, क्या सब्सिडी है, 10 जगह ट्राई करें, ताकि किसान भाई बहुत मुश्किल से पैसा कमाता है उसके साथ किसी प्रकार की चीटिंग नहीं हो। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पहले हॉर्टिकल्चर से किसानों को सब्सिडी मिलती थी, 60% सब्सिडी किसान को सोलर पंप पे मिलती थी। उसमें बहुत सारी कंपनियां थी अलग अलग, जिसमें बहुत सारे सिस्टम भी होते थे, किसमें ऑटो ट्रैकर सोलर में होता था तो कुछ चार्जेस ज्यादा थे, किसमें हाथ से घुमाने वाला है तो उसमें कुछ चार्जेस कम थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 साल से सरकार हॉर्टिकल्चर सब्सिडी नहीं दे रहा किसान को। जो भी लोग या जो भी साथी भाई कह रहे हैं भाई हम सब्सिडी काट के आपको सोलर दे रहे हैं, सरकार की अभी कोई सब्सिडी की गाइडलाइन बनी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सब्सिडी पहले हॉर्टिकल्चर से मिलती थी, लेकिन ये टेक्निकल वर्क होने से इस साल सरकार की मंशा है कि इसको आरएसीबी को दे दिया जाए। तो एक कुसुम योजना करके आरएसीबी ने जारी किया, जिसके पूरे अभी उसकी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, उसके टेंडर नहीं हो पाए, पर सरकार ने आवेदन मांगे हैं किसानों से। कुसुम योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, कुसुम योजना में वो किसान आवेदन कर पाएगा जिसने कनेक्शन कृषि कनेक्शन ले रखा है। सपोज मैंने 5 HP का कृषि कनेक्शन ले रखा है तो आरएसीबी अपने खेत पर 10 HP का पैनल स्थापित करेगी, तो 10 HP में क्या होगा, 5 HP का करंट मैं दिन पर यूज करूंगा और 5 HP का जो करंट बचेगा वो आरएसीबी को ग्रिड हो जाएगा, ताकि अपने दूसरा साथी उसको यूज करेगा। तो उसमें क्या रहेगा कि 60% तो सब्सिडी है और 30% नाबार्ड से किसान को लोन होगा। नाबार्ड से जो 30% का लोन होगा, वो जो एक्स्ट्रा यूनिट बनेंगे अपने 5 किलोवाट के जो एक्स्ट्रा यूनिट बन रहे हैं उससे वो नाबार्ड का पैसा माइनस होता जाएगा, और सरकार मान रही है कि किसान 2.5 से 3 साल के बीच वो सारा पैसा नील हो जाएगा नाबार्ड का, फिर वो पूरा सिस्टम किसान का खुद का रह जाएगा। 10% जो किसान को देना है, जो अभी हिस्सा राशि देनी, लेकिन इसके अभी तक कोई टेंडर जारी नहीं हुए हैं और न कोई, सिर्फ ये अभी स्कीम कागजों में चल रही है, किसान किसी प्रकार से गुमराह नहीं हुए। और जो भी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, जो ब्रांडेड कंपनी है, उससे किसान चाहे तो कैश में खरीद सकता है, लेकिन अभी जो कैश में खरीदेगा उसकी बिलिंग होने के बाद में वो सब्सिडी उस पर नहीं ले पाएगा। ये है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मेरा ये है कि किसान साथियों को अब कितना वेट करना पड़ेगा, कब तक सब्सिडी मिलने का अंदाजा है आपके हिसाब से? सर सब्सिडी का मैं आपको बता दूं कि सब्सिडी आएगी तो इस महीने में आ जाएगी, क्योंकि किसान अब तो बोई करेगा, अब तो किसान वेट नहीं कर सकता। तो अपन सरकार से भी यही निवेदन करना चाहते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को भी ये कहना चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि सोलर मतलब एक ऐसी ऊर्जा है, एक जो अपने आसानी से किसान अपन को ले सकता है, और सरकार चाहे आरएसीबी को देके काम करवाए तो भी बढ़िया है, क्योंकि आरएसी के सारे विभाग लोकल होते हैं, किसान के टच में होते हैं, किसान वहां आसानी से आरएसीबी पहुंच पाएगा और अपना आवेदन करके कर सकता है। और आरएसीबी के जो लॉसेस वगैरह जो छिजत हो रही है, दूर दूर से जो लाइनें आ रही है शॉर्ट हो जाती है, वो हो जाती है, उसके समस्या से समाधान मिलेगा और किसान अपना भी काम करेगा और आरएसीबी को ग्रीड करेगा। तो अपन तो ये चाहते हैं कि सरकार इसको देवे तो इसी महीने में देवे, फिर बाद में देने से तो मतलब नहीं है। किसान अपनी फसल की बुआई तो अभी करेगा, प्लान अभी करेगा, और बारिश भी अच्छी हुई है, तो अपन ये चाहते हैं कि जल्दी सोलर पे सरकार गाइडलाइन जारी करे।
तो सर अभी जैसे किसान साथियों अगर मतलब ये करना चाहे तो उनको भी क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कहाँ जाके उनको अप्लाई करना पड़ेगा सब्सिडी के लिए? सब्सिडी के लिए सर अभी आवेदन मैं बताऊं कुसुम योजना में तो आरएसबी जो सहायक अभियंता कार्यालय जहाँ पे है वहाँ आवेदन करने पड़ रहे हैं, जिसमें कुएं का बिल लगाना पड़ रहा है क्योंकि कनेक्शन उनका पहले से है, कुएं का बिल और उसका आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ आवेदन कर रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ के तहत आरएसबी आवेदन ले रही है। और हॉर्टिकल्चर जो उद्यान विभाग है, उप निदेशक उद्यान विभाग जहाँ जहाँ जिले में है वहाँ पे भी ऑनलाइन अपन प्रक्रिया से आवेदन कर रहे हैं। जिस किसान के वहाँ लाइट नहीं है या एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं है वो उप निदेशक उद्यान की साइट पे जाकर ऑनलाइन कर सकता है। ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू है जी। जैसे अगर अभी फॉर्म भरेगा तो मतलब कितना टाइम तक उनको ये मिल जाएगा और अभी कितना पेमेंट करना पड़ेगा किसान साथियों को? सर वो अभी सरकार की सब्सिडी फाइनल हुई नहीं है, सरकार का 21 मार्च को सारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन अब की बार सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की कि अपन सब्सिडी कितनी देंगे। गत साल 60% थी तो इस साल क्या पता सरकार बढ़ाए या घटाए, सब्सिडी का कोई अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई। अभी सिर्फ आवेदन जो ऑनलाइन लिए जा रहे हैं ये प्रक्रिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छे बताया है किसान साथियों के। तो किसान साथियों आप गुमराह ना हुए, सर ने जैसा कि बताया कि अभी सब्सिडी तो मिलेगी लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और जैसा प्रोसेस बताया है उस तरह आप आरएसबी में जाके अभी फॉर्म फिल कर दीजिए। और पहले आओ पहले पाओ का मतलब है कि जो पहले फॉर्म भरेगा उनको पहले लिया जाएगा और हो सकता है बजट खत्म हो जाए तो आपका नंबर नहीं आए, इसलिए आप सब्सिडी के लिए फॉर्म भरें आरएसबी से। और अगर कैश लगाना चाहे तो कैश भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी बाद में, ये है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।